पुराने दौर की फिल्में और उनके किरदार वास्तविकता से भरा होता था, दिल के इतने करीब होता है कि उन्हें भुला पाना मुश्किल होता है। पर बात कलाकारों की हो तो उन्हें भी दर्शक अंत समय तक याद रखते हैं। पर कुछ कलाकारों की किस्मत इतनी बुरी होती है कि उन्हें बुरे दौर का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ दर्शक भी उन्हें भुला देते हैं, बजाय इसके कि उन्होंने अपने जीवन में बेहतरीन फिल्मों में काम करके सिनेमा युग में अपना महत्वपूर्ण समय अर्जित किया था। आज मैं अनामिका आपको उस लाजवाब अभिनेत्री की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने बड़े पर्दे पर माँ के किरदार निभाए। पर वो माँ भी किनकी बनती थी, जिनकी उम्र उनसे भी ज्यादा होती थी। अभी तक आप समझ गए होंगे कि आज की कहानी मशहूर अभिनेत्री अचला सचदेव पर है। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। शीला, ये हार मेरा है इंस्पेक्टर साहब, इस हार की असली मालिक मैं हूँ और यही ले गए थे इस हार को। इन्हीं का पता पाने के लिए मैंने पुलिस में चोरी की खबर दी थी। न जाने कितने हार, कितने जेवर जो इन्होंने जुएर नाटक कंपनियों पे लुटा दिए। शीला, आप इन्हें छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी आंखों के सामने इन्हें गिरफ्तार होते नहीं देख सकती। आपके कहने से मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता देवी। चोरी करने की वजह से ये आपके नहीं सरकार के मुजरिम। चोरी? कैसी चोरी? किस बात की चोरी? ये हार तो इन्हीं का है इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पति हैं। अचला जी के पर्सनल जीवन की कहानी आज शायद ही कोई जानता हो, पर कुछ लोगों का कहना है कि वो अविभाजित भारत के पेशावर से ताल्लुक रखती थी। उसी शहर में 3 मई 1920 को उनका जन्म हुआ था, पर जब वो छोटी थी तब उनके पिताजी का देहांत हो गया। उस दौरान उनकी 3 बड़ी बहनें भी थीं। पिताजी के गुजर जाने के बाद उन्हें मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा, पर फिर भी उन्हें उच्च शिक्षण मिला और बड़े ही कम उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। 40 का दशक रेडियो के लिए बड़ा फेमस रहा और इसी जमाने में उन्हें रेडियो में बतौर एंकर काम मिला। कहा जाता है कि वो अपने जमाने की मशहूर उद्घोषिका रहीं। उनकी आवाज घर घर में गूंजने लगी थी। बंटवारे के बाद अचला अपने परिवार के साथ भारत आ गई और दिल्ली रेडियो में काम करने लगी। यहीं रहकर उन्होंने अपना फिल्मी जीवन आरंभ किया, पर उसके पहले अचला जी रेडियो पर टॉक शोज किया करती थी। इन शोज के बदौलत उनकी मुलाकात फिल्मकारों से होने लगी और इसी वजह से उनका रिश्ता फिल्म जगत से जुड़ गया। अचला सचदेव के लिए हमेशा कहा जाता है कि उन्होंने 30वें उम्र के बीच फिल्म जगत में प्रवेश किया, पर बड़े ही कम अवधि में उन्होंने सफलता के सितारे देखे। बहन और बीवी के किरदार निभाते हुए देखते देखते उन्हें स्टार माँ का दर्जा मिलने लगा। निरुपा रॉय से भी पहले इन्होंने माँ के किरदार निभाए थे। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि उन्होंने शुरुआत से ही माँ के रोल निभाना शुरू किया था। दिल्ली में रेडियो उद्घोषिका का काम करते वक्त उन्हें पहली फिल्म ऑफर हुई। 1950 में रिलीज हुई उस फिल्म का नाम था दिलरुबा। अपने पहले ही फिल्म में अचला सचदेव ने माँ का किरदार निभाया था, जहाँ मशहूर अभिनेता देव आनंद उनके बड़े भाई बने थे। इस फिल्म में छोटा रोल होते हुए भी अचला सचदेव की किस्मत ने उड़ान भरी। पर उनके जीवन में ऐसा भी दौर आया जहां उन्हें अपने से बड़े उम्र के हीरो की मां बनने का भी मौका मिला, क्योंकि 1950 के साल से ही उन पर टाइपकास्ट का लेबल लग चुका था। बड़े पर्दे पर अचला सचदेव ने अभिनेता राज कपूर और सुनील दत्त की मां का किरदार सबसे ज्यादा बार निभाया था। उनके फिल्मोग्राफी में लगभग 250 फिल्मों का समावेश है। 1952 की मां और राही, 1953 की फुटपाथ, 1954 की चांदनी चौक और नौकरी, आजाद 1955, मिस मैरी 1957 और 1958 की अदालत,
50 के दौर में अचला ने इन सुपरहिट फिल्मों में चरित्र किरदार निभाए थे, पर 60 के दशक के दौरान यश चोपड़ा की वक्त और रामानंद सागर की आरजू ने उन्हें विशेष कलाकार का दर्जा दिया। आपने वो गाना तो सुना होगा जो आज भी लोकप्रिय है, ए मेरी जहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। 1965 की वक्त फिल्म में इस गीत को बलराज साहनी साहब अपने बीवी यानी अचला के लिए गाते हुए नजर आते हैं। उसी साल में वक्त के बाद और एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें अचला सचदेव ने राजेंद्र कुमार की मां का किरदार निभाया था। वो फिल्म थी आरजू, जो उस जमाने की बहुत सफल फिल्म थी। अब एक मजेदार बात बताती हूँ, अचला ने जो पहली फिल्म की थी उसमें देवानंद उनके बड़े भाई थे, पर 1971 में हरे राम हरे कृष्ण फिल्म आई जिसमें वो देवानंद की माँ बनी थी। भैया शीला, यही है वो रूपा जिनके बारे में मैं हर रोज बातें किया करता था। आप ही हैं वो, यहाँ हर रोज आप ही की बातें हुआ करती थी। भैया कहा करते थे मुझे जाने दो, वो मेरी राह देख रही होगी, लेकिन मैं भैया को रोक लेती। मेरे भैया मेरी वजह से ही तुम्हारे पास ना पहुंच सके। अब वो तुम्हारे हैं रूपा और तुम उनकी, अब तो तुम मेरी भाभी हो। पर 90 का दशक लगने के बाद उन्होंने काम करने की रफ्तार कम की। 1989 की चांदनी फिल्म करने के बाद वो चुनिंदा फिल्मों में दिखाई दी, जैसे शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम और कल होना हो। पर इतनी कामयाबी और शोहरत हासिल करने के बाद भी अचला सचदेव को क्या मिला? अकेलापन और दर्शकों का नज़रअंदाज। अचला जी का जीवन ठीक ठाक चल रहा था, पर 2002 में उनके पति के निधन के बाद उन्हें अकेलेपन का सामना करना पड़ा। आपको बता दूं कि अचला जी ने 2 शादी की थी। पहले पति ज्ञान सचदेव से तलाक लेने के बाद उनकी मुलाकात क्लिफोर्ड डॉगलास पीटर से हुई। दरअसल यश चोपड़ा की फिल्म के शूटिंग के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात शादी में तब्दील हो गई। दोनों को एक बेटा भी है जिसका नाम ज्योतिन है। असल में क्लिफोर्ड का व्यापार पुणे में था, इसीलिए अचला अपने पति के साथ पुणे रहने लगी थी। पर 2002 में उनके पति का निधन हो गया और अचला अचानक से अकेली पड़ गई। इतिहासकार बताते हैं कि अपने अंत समय में वो अकेली ही थी, पर कुछ पत्रकारों का मानना है कि ज्योतिन अचला के साथ था। 9 साल तक अकेले रहने के बाद 30 अप्रैल 2012 को उन्होंने आखिरी सांस ली, पर उसके पहले 11 सितंबर 2011 के बाद से ही वो अपने जीवन से जूझ रही थी। दरअसल एक रात पानी पीने के लिए वो किचन में आई, जहां वो फिसल गई और जख्मी हो गई। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लाया गया और देखते ही देखते लकवा के कारण उनकी जान चली गई। उस दौरान वो 91 साल की थी। अपने जीवन काल में उन्होंने जो भी दौलत हासिल की थी वो सभी एनजीओ में चली गई और इस तरह से अचला सचदेव की कहानी खत्म हुई। तो मैं थी आपकी अनामिका, मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।